दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया के एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में जिनका सर एक ही जगह पे 30 साल तक लटका के रखा गया था। तो चलिए जानते हैं वो कौन थे। जैसे कि आप सभी को पता है ब्रिटिश सरकार 16th सेंचुरी से इंडिया पे हुकूमत कर रहे थे, जिससे लड़ने के लिए एक बहादुर योद्धा ने जन्म लिया जिनका नाम था उयालावड्डा नरसिम्हा रेड्डी, जिनका जन्म 24 नवंबर 1806 में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश में हुआ था। उस समय में ये पहले व्यक्ति थे जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाया था। ये कहानी शुरू हुई थी उस टाइम पे जब ब्रिटिश सरकार को हमारे ही लैंड पर हमें ही खेतीबाड़ी करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो इसको देख वहाँ के एक जमींदार के बेटे ने आवाज उठाई जिनका नाम था उयालावड्डा नरसिम्हा रेड्डी। तो इस बात को लेके नरसिम्हा रेड्डी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ाई शुरू किया, और जिनको देख के बाकी सारे लोगों को भी हौसला बढ़ जाता था ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए। तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार से लड़ाई शुरू होती है, जिसमें नरसिम्हा रेड्डी और उनके साथी मिलके 3000 ब्रिटिश लोगों को मार गिराते हैं, जिसको देख ब्रिटिश सरकार के हेड बहुत गुस्से में आ जाते हैं और नरसिम्हा रेड्डी और उनके साथियों से लड़ने के लिए दुगना फौज भेजते हैं, जिसमें नरसिम्हा रेड्डी और उनके साथी पराजित हो जाते हैं। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के हेड आदेश देते हैं कि नरसिम्हा रेड्डी को बंदी बना लिया जाए और उनको फांसी पे लटका दिया जाए। और दोस्तों उनके सर को 30 साल तक लटका के रखा गया था ताकि जब भी उनके सर को कोई देखे तो दोबारा कोई ब्रिटिश सरकार पे आवाज़ ना उठा पाए और उनसे लड़ने का साहस ना कर पाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उनके उस साहस की वजह से कर्नूल के एयरपोर्ट को उयालावड्डा नरसिम्हा रेड्डी का नाम दिया गया है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको इस साहसी फ्रीडम फाइटर के बारे में जान के अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जान सकें उनके साहस के बारे में। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।